भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ लेह के नवांग दुर्जी स्तोद्दन स्टेडियम में आप लोग एक धन्यवाद सभा में आए हैं, तो मैं ये आज का धन्यवाद अर्पण करूंगा उन लाखों बल्कि करोड़ों भारत के नागरिकों का जो कि गुमनाम हैं, बेनाम हैं, अपने अपने शहरों से जो उनसे बन पड़ता है वो कर रहे हैं लद्दाख के समर्थन में। आप सबको मेरा सलाम, आप सबको मेरा नमन कोटि कोटि। लद्दाख के समर्थन में जितने लोग अभी तक जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं, जो सड़कों पे आए हैं, बहुत शहरों में तो सभाएं कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं हमारे साथ। आज सुबह मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से एक सज्जन का अनशन तोड़ा जो पुणे में 10 दिन तक अनशन पे रहे लद्दाख के लिए। उनका अनशन हमारे साथ उन्होंने खत्म किया, तो उन सबको मैं लद्दाख की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। और वैसे तो होना भी चाहिए, हम एक देश हैं, एक जनता हैं पूरे भारत की, तो जब एक हिमालय पे संकट हो तो पूरे भारत का संकट है। और ऐसा ही आपने प्रतीक दिया इस तरह से लद्दाख के इस आंदोलन के साथ जुड़कर। तो लद्दाख की पूरी जनता, बल्कि लद्दाख के पहाड़, लद्दाख के ग्लेशियर, लद्दाख के फूल पत्ते पक्षी पशु सब आपका धन्यवाद करते हैं। अब जरा बात करेंगे हम क्यों हम ये आंदोलन कर रहे हैं। बचपन में हमें सिखाया गया था कि अपना हक मांगना सीखो, अपना हक लेना सीखो, मांगने से भी ज्यादा लेना सीखो जो आपका हक है, वचन का पालन करना सीखो, वादों को निभाना सीखो, सच्चाई पर चलना सीखो। ये सब हमारे विद्यालयों में, भारत के पाठ्यक्रम में हमारे शिक्षकों ने हम में ठूस ठूस के भरा है। और अब नहीं होता हमसे जब कहीं अन्याय हो और वो हम पे ही हो, तो और भी आवाज उठाना नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो ऐसा ही कुछ जरूरत लद्दाख में पड़ी है, क्योंकि लद्दाख में जैसा आप लोगों को मालूम है, लद्दाख का ये पर्यावरण बहुत ही संवेदनशील है, नाजुक है, बिगड़ सकता है, बहुत अलग है ये बाकी देश से बल्कि दुनिया से। ये लखनऊ, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश जैसा नहीं है, ये तो मंगल ग्रह जैसा ज्यादा दिखता है किसी और प्रदेश से। तो ऐसे एक भूभाग का संचालन, उसकी देखरेख, उसका रखरखाव, संरक्षण कैसे करें, ये यहाँ के जो मूल निवासी जनजातीय जनसंख्या है उन्हें आता भी है और उनकी जिम्मेदारी भी है। तो इन्हीं जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जब लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हुआ एक यूटी बनकर, तब हमने दो उम्मीदें की थी। पहली तो कि इन पहाड़ों को, इन जनजातियों को संरक्षण छठवें शेड्यूल में मिलेगा भारत के संविधान में, जो रखा हुआ है भारत माता ने ऐसे पुत्रों पुत्रियों के लिए जो थोड़े अलग जीवन जीते हैं, पहाड़ों में हैं, कहीं जंगलों में हैं, जिन्हें हम इंडिजिनस पीपल, ट्राइबल पीपल या जनजातीय लोग कहते हैं। असल में ये एक रखवाले हैं भारत के प्राचीन ज्ञान का। आज दुनिया को, भारत ही नहीं, दुनिया को इनसे सीखने की जरूरत है कि इस पृथ्वी पर अगर शांति से रहना है तो कैसे जिए, वो इन जनजातियों से सीख मिलेगी। तो इन्हें संजोए रखने के लिए ये सिक्स शेड्यूल की उम्मीद लद्दाख के लोगों ने जरूर की, क्योंकि यहाँ पर 97% जनजातीय संख्या है ऐसा कहा जाता है। तो ये तो एक बिना
सोचे समझे, मतलब प्राकृतिक सी बात है कि ये शेड्यूल यहां मिले। और इसी तरह से सरकार ने वादे किए कि ऐसा ही होगा। जब यूटी बना, जिस पर हम बहुत खुश हुए, कृतज्ञ हुए, उसके बाद उन्होंने फिर वादे किए कि ये संरक्षण भी आपको दिया जाएगा। और इन वादों को चुनाव में, घोषणा पत्र में लाया गया, मैनिफेस्टो में नंबर 1, 2, 3 पर। और इसी को देखते हुए, इसी विश्वास में, इसी भरोसे पर लोगों ने भारी संख्या में वोट देकर सरकार को, जो अभी सरकार है, उसको जिताया। संसदीय चुनाव में भी, हिल काउंसिल में भी। मगर उसके बाद वो वादे से पीछे हटे और 4.5 साल के टाल मटोल के बाद पिछले 4 मार्च को उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो ये दे सकते हैं लद्दाख को। वादा करने के बावजूद क्या ये जायज है आप लोगों को? ये जायज नहीं है, कोई बच्चा बच्चा समझ सकता है। अब ये हमारा हक बांधता है कि जो वादा हुआ है उसे हम लें। यही तो हमने बचपन में सीखा, अपना हक लेना सीखो, वचन पूरा करना सीखो। तो यही मांग रहे हैं हम। दूसरी उम्मीद थी कि लद्दाख को भी लोकतंत्र के फल मिलेंगे, यहां भी एक असेंबली होगी जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि यहां का फैसला करेंगे कैसे लद्दाख को व्यवस्थापन करना है, चलाना है, संचालन करना है। मगर उसी मीटिंग में उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ना आपको 6वें शेड्यूल का संरक्षण मिलेगा, ना ये लोकतंत्र। ये चार मार्च को था और 6 मार्च से हम यहाँ पर अनशन शुरू कर चुके हैं। और कल 21 दिन का हमारा खत्म हुआ एक चरण, पहला चरण। 21 दिन इसलिए क्योंकि गांधी जी का सबसे लंबा उनके जीवन का अनशन था 21 ही दिन का। तो हम गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं लद्दाख में। बहुत ही आस्था से, पूरी उम्मीद के साथ कि इस रास्ते पर जीत ही होगी, हम चल रहे हैं। उन्होंने एक रास्ता दिखाया था सत्याग्रह का, यानी कि सच्चाई को पकड़ के रखो, उस पे चलोगे तो सफलता मिलेगी। तो हम उसी पे पकड़ के सच्चाई की मांग कर रहे हैं, वचन का पूरा करने की मांग कर रहे हैं। और उसके लिए हम सत्याग्रह के ही शैली में अनशन पर बैठे हैं। हम किसी और पर दुख नहीं दे रहे हैं, पीड़ा नहीं दे रहे हैं, खुद पे दे रहे हैं। यही तो गांधी जी का रास्ता था सत्याग्रह का। तो इसी सत्याग्रह के अंदर उन्होंने कई रास्ते सिखाए। सिविल डिसोबीडियंस, हम पालन नहीं करेंगे ऐसे बातों का जो कि हित में नहीं है यहाँ के। तो मैं आप लोगों को जरा बताना चाहूंगा अगले आने वाले समय में हम क्या क्या करने वाले हैं और किस तरह से गांधी जी के पथ पर चलने वाले हैं। तो अभी 21 दिन का तो ठीक गांधी जी के अनुसार हम चले। और अब इस चरण के बाद दूसरे चरण में बैठे हैं हमारी लद्दाख की महिलाएं, वो आज से अनशन पर बैठी हैं, लंबी अनशन पर। और फिर उनके बाद युवा बैठेंगे अनशन पर, और उनके बाद फिर भिक्षुगण, जो मठों से गुंपाओं में हैं हमारे लद्दाख के धार्मिक गुरु, वो बैठेंगे। फिर बड़े बूढ़े बैठेंगे, फिर हम दोबारा से, शायद मुझे बैठना पड़े, हालांकि हम सब उम्मीद करते हैं तब तक सरकार को अपना फैसला एहसास होगा कि उनके फैसले में कुछ कुछ नीच रह गई, लद्दाख के साथ अन्याय हुआ। साफ साफ वादा करने के बाद सरकार खुद पीछे हट गई, ये उनको शोभा नहीं देती है। जो सरकार सच्चाई की कसमें खाती है और जो सरकार अभी फिर चुनाव में जा रही है गारंटीज के साथ, वो अपने घोषणा पत्र में क्या जवाब देंगे और क्या मुंह दिखाएंगे जनता से अगर लद्दाख का ये कहानी चलता रहा।
तो इसलिए हमें बहुत उम्मीद है कि अगला चक्र सत्याग्रह का अनशन का हमें न करना पड़े, उसकी हम पूरी उम्मीद करते हैं, मगर पूरी तरह तैयार भी हैं। तो ये रहा अनशन की बात। अब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस में खिलाफत करते हुए सरकार का दांडी तक जाकर नमक का आंदोलन किया था, जिसमें उन्होंने नमक बनाया कानून, गंदे काले कानून को खिलाफत करते हुए। तो ऐसे ही हालत हमारे चंतन में हमारे चरवाहे भाई बहनों के साथ हो रहा है, जो कि दुनिया की सबसे कीमती पश्मीना के उत्पादन करते हैं, जिसे कश्मीर भी कहा जाता है। इससे महंगा दुनिया में लगभग कोई और फाइबर नहीं है, वो उत्पादन करते हैं। आज उन्हें अपने बकरियां अपने याक बेचने पर मजबूर किया जा रहा है। यहां बहुत उनमें से अनशन में जुड़े हैं, क्योंकि उनकी पीड़ा बहुत तेज है, क्योंकि उन पर गुजर रही है ये सब। तो उनके जो चरागे हैं वो एक तरफ दक्षिण की तरफ से भारतीय औद्योगिक प्लांट बिजली के सोलर के, जो दसियों हजारों एकड़ में उनसे जमीन ले जा रही है, 20,000 एकड़ ले गए हैं और 20,000 मांग रहे हैं, यानी कि 150 स्क्वायर किलोमीटर उनसे मांगा जा रहा है, जो कि उनके सबसे अच्छे चरागे हैं। अब वो क्या खाएंगे अगर उनके सारे चरागे ले गए? तो उनके वो तो जाएंगे, उनके साथ एक सदियों हजारों साल पुराना एक परंपरा भी डूब जाएगा। तो उनके ये हक उनसे छीने जा रहे हैं भारतीय उद्योगों के जरिए भी। और इनमें से ये सबसे अच्छे उद्योगों में है सोलर एनर्जी का। हम चाहते हैं कि भारत में लद्दाख की ऊर्जा पहुंचे, मगर वो यहाँ के चांपा समुदाय के समन्वय से पहुंचे, उनसे बिना पूछे जबरदस्ती ना हो, जो कि अभी हो रहा है। उनको कहा जा रहा है ये सब आप खाली करेंगे, ये लेंगे तो लेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं देंगे, इस तरह से। जबकि छठवां शेड्यूल अगर उसका संरक्षण होता लद्दाख में, तो उनको पूछे बिना कुछ भी नहीं था, घास का एक तिनका भी नहीं था। तो इसलिए चाहिए लद्दाख के संरक्षण के लिए छठवां शेड्यूल। वो जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे बिजली, लद्दाख की जो धूप है वो भारत के साथ क्यों ना बांटे, मगर वो अपनी मर्जी से जहां उनके चरागे कम और ऊर्जा ज्यादा है उस तरह से देंगे, मगर आज उनसे छीना जा रहा है उनसे बिना पूछे। तो ये हमें देखना है जाकर कि क्या उनके साथ हो रहा है, उन्हें कैसे रोका जा रहा है। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारी, हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूं हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। ये हालत है आज की सरकार की। हम पे जो जुल्म हो रहा है, हमारे सर कट रहे हैं, हम आह करें तो देशद्रोही बन रहे हैं। जो 4,000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। तो अब होगा लद्दाख के लोग जाकर वास्तविक भूमि पर उद्योगों को
कितना चरागा जा रहा है, कितने किलोमीटरों, मतलब एक पूरा शहर जितना जमीन उद्योगों के लिए चरवाहों के चरागे जा रहे हैं, दूसरी तरफ उससे भी 20 गुना ज्यादा चीन को जा रहा है। तो क्या हालत है इन चरवाहों की, देश को दिखाने की जरूरत है ताकि उन्हें समझ आए कि ये संरक्षण लद्दाख के लोग कुछ ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं, जरूरत है इसकी, उनके जान पे बनाई है, उनके रोजी पे बनाई है। तो इसलिए हम गांधी जी ने जैसे नमक का मार्च किया था दांडी तक, हम चंदन मार्च करेंगे। चंदन मार्च जिसे हम कहेंगे, क्योंकि बॉर्डर एक तरफ चीन की तरफ है मगर दूसरी तरफ नहीं है, चंदन मार्च में हम पूरे देश को सिलसिलेवार लाइव दिखाना चाहेंगे कि क्या हो रहा है। हमें मालूम है अगर सरकार के दिल में सफाई है, उनके पास कुछ भी छुपाने को नहीं है, जैसा वो कहते हैं वो सच्चाई के अनुयायी हैं, तो वो भारत की जमीन पर भारतीय लोगों को जाने में उनको कोई एतराज नहीं होगी, हमारे लिए खुली सड़कें मिलेंगे अगर सब साफ है तो। अगर नहीं है, छुपाने को बहुत है कि हम इतना चरागा उद्योगों को नहीं दे रहे हैं, हम इतना चरागा अतिक्रमण में नहीं खो रहे हैं, अगर वो ये झूठ बोलना चाहते हैं तो वह हमें जरूर रोकेंगे। और उनका रोकना अपने आप में एक बयान होगा, उसी से हमें बहुत बड़ा बयान सरकार का मिल जाएगा कि छुपाने को बहुत है, जमीनें बहुत गई हैं, मगर हम नहीं जाने दे सकते, ताकि देश ना देखे और फिर चुनाव पे असर ना हो। तो चुनाव पे असर होने की बात हो तो होनी चाहिए, अगर पाकिस्तान के साथ पुलवामा और उड़ी का असर आपको अच्छा लगता है तो यहाँ हमारे चरवाहों के साथ क्या हुआ वो भी आपको मान्य होना चाहिए। जो सच्चाई है वो हम दिखाएंगे, हम कोई झूठ नहीं दिखाएंगे, हम इन्हीं चरवाहों के साथ जाएंगे, वो हमें दिखाएंगे कहाँ तक हमारे चरागे थे, आज कहाँ पहुंच गए हैं, दूर से दिख जाते हैं सब, वो हमें दिखाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि कोई रुकावट नहीं डालेंगे, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार जनता की सरकार है, लोकतंत्र की सरकार है और पारदर्शी सरकार है, जैसा है वैसा दिखाने का पूरा अनुमति देंगे, और इसी में भारत की भलाई है, वरना यहाँ पर फिर और उलझ जाएगा। क्योंकि अगर वो हमें रोकते हैं या ले से जाने से या खारू से या आगे माहे से या चांगथांग में, तो एक तरफ उसका मतलब होगा बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, दूसरी तरफ ये कोई दो चार लोग नहीं होंगे, लगभग 10,000 लोग जाएंगे इस पर। तो गांधी जी का और एक बड़ा कॉल था, जेल भरो आंदोलन, तो हम उस पे उतरेंगे। अब तीसरा जेल भरो आंदोलन के लिए मैं कहूंगा तैयार रखें अपने जेलों को खाली, साफ करके हम आ रहे हैं। ये जेल भरो आंदोलन से अभी की ही सरकार ने बहुत लाभ उठाया, क्योंकि गांधी जी के दिखाए इन रास्तों पर बहुत सारे देश चले, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, उत्तर अमेरिका में उनका जो रंग भेद के प्रति आंदोलन था उसमें मार्टिन लूथर किंग, उन सब ने गांधी जी से सीखा, और एक सीखने वाले थे अन्ना हजारे जी, उन्होंने गांधी जी के इस पद पर 2011 में जेल भरो आंदोलन और सत्याग्रह अनशन का आह्वान दिया, क्योंकि वो करप्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। उस आंदोलन में तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा फायदा हुआ और 2014 में वो जीत गए, उनके पास सरकार पहुंचा। तो अब उनकी बारी है दिखाने की कि वो उसी सच पे चल रहे हैं जिस सच के सहारे वो सत्ता में आए।
तो आज जेल भरो आंदोलन जो अन्ना हजारे जी ने 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ तब के कांग्रेस हुकूमत को दिया था, वही आज हम उनसे कह रहे हैं अगला हमारा अगर रोका गया तो जेल भरो आंदोलन होगा, उसके लिए हम तैयार रहे। और उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो गांधी जी का और एक मंत्र है, एक और कुड़िया है उनकी जादू की, वो है नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन, जिसमें देश के सभी लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के हर काम को करने से इनकार कर दिया, चाहे वो मजदूर थे या सरकार के मुलाजिम थे, सबने अपने कलम नीचे रख दिए, कहा हम आपके काम नहीं करेंगे, आप सच्चाई पर नहीं चल रहे हैं। जरूरत पड़े तो लद्दाख में भी असहयोग आंदोलन होगा आने वाले हफ्तों या महीनों में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसमें लद्दाख के जितने भी लोग सरकार या गैर सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़े हैं वो सब अपना हिस्सा निभाएंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे, क्योंकि सबके भविष्य का सवाल है ये, सबके बच्चों का सवाल है ये, सबके पानी का सवाल है ये। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ इस आंदोलन में जुड़े हैं उनके पास आगे पीछे खाने को कुछ भी नहीं है, घर परिवार और सब कुछ सिर्फ सरकारी मुलाजिमों के साथ है, उनके पास दौलत है, तनख्वाह है, नौकरियां हैं, तो इसलिए उनको एक स्पेशल छूट मिल जाए, एक इम्यूनिटी मिल जाए। ऐसा हम बहुत हद तक करते रहेंगे, मगर आखिर में हमारी उम्मीद होगी कि हर लद्दाखी, चाहे वो जिस भी शोबे में काम करते हो, वो असहयोग आंदोलन में जुड़ेंगे और जो यहाँ पर सरकार है वो पैरालाइज हो जाएगी। कि भारत के हर नागरिक का धन्यवाद करूं जो लद्दाख के इस आंदोलन से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे, और जब लद्दाख में हम यहाँ का पर्यावरण कैसे बिगड़ रहा है, यहाँ के चरागे कैसे बिखर रहे हैं, उसके मार्च पे जाएंगे 7 अप्रैल को, रविवार 7 अप्रैल है, रविवार है, छुट्टी का दिन है, तो मैं अनुरोध करूंगा भारत के हमारे वीर सामाजिक कार्यकर्ता मार्च करें अपने अपने शहरों और राज्यों में, जहां पर विकास के नाम पर विनाश हो रहा है, कहीं जंगल काटे जा रहे हैं, कहीं नदियों को मरोड़ा जा रहा है, कहीं शहरों में पानी का अकाल हो रहा है, कहां कहां विकास के नाम पर उद्योगपतियों को, भारत की संपदा को बेचा जा रहा है, वो सब दिखाने का आप मार्च करें अपने अपने इलाकों से, तो ये एक प्रकृति का मार्च हो, ये एक स्थायी विकास का मार्च हो, हर जगह हो, और लद्दाख में हम चांगथांग मार्च पर निकलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।